आपका स्वागत है और आपको बताते हैं कि यातायात और महिला सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर से ये जानकारी है, सुरक्षा मान सम्मान के तहत मोटरसाइकिल रैली का फ्लैग ऑफ जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने दिखाई है हरी झंडी। विभिन्न रास्तों से होकर ये मोटरसाइकिल सवार पैदा करेंगे जागरूकता। तो एक रैली है जिसको लेकर हम आपको बताएंगे कि अभियान कैसे चलाया जा रहा है। जयपुर से जानकारी मिल रही है, जहां पे आपको बता दूं कि यातायात एवं महिला सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा मान सम्मान के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। और आपको बता दें कि जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इसे हरी झंडी दिखाई है और इसे रवाना किया है। अब ये जो बाइक रैली है, ये विभिन्न रास्तों से होते हुए जागरूकता फैलाने का काम करेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे बाइक पर सवार हैं, और ये देखिए हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया गया, लोगों को जागरूक किया जाएगा इसके जरिए। और ये बाइक रैली अब रवाना हो गई है, जिसमें आपको बता दें कि यातायात एवं महिला सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए ये मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। और तमाम जितने भी ये बाइकर्स हैं, इनके पास फ्लैग्स हैं और साथ ही में ये छोटे से बोर्ड्स भी हैं, जिनको लेकर ये अपने हाथ में चल रहे हैं। कई संबंध में एक रैली निकाल देंगे, जगह जगह पे कोई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। संदेश सबके पास पहुंचने के बाद हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, ताकि लोग बाग तैयार रहें कि हमारा अभियान शुरू होने वाला। एक तो यातायात के संबंध में है, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक महिला हेल्पलाइन में एक विशेष टीम 24/7 बैठा है। वो जो भी कंप्लेंट्स आता है उसका निस्तारण करता है। उसमें कभी कभी ये हमारे पास एक समस्या आ जाता है कि जो शिकायत करने वाली जो लेडीज है, वो उसको फॉर्मलाइज करने के लिए सामने नहीं आता। तो हम ये चाहता है कि अगर आप कंप्लेंट किया, हम आइडेंटिफाई किया कल्प्रिट को, तो उसके खिलाफ लास्ट तक, आखिर तक उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे साथ रहें, ताकि इस तरह का जो ईव टीसर्स है या परेशान करने वाले को कोई सबक सिखाना जरूरी है। तो इसके अलावा हम जगह जगह पे जो हमारा निर्भया स्क्वाड को और पब्लिसाइज करना चाहता है कि जो वो पेयर्स में जो जगह जगह पे खड़े रहता है, घूमते रहता है, पेट्रोलिंग करते रहता है, जहां पे इस प्रकार के घटनाओं का घटित होने का ज्यादा संभावना है, उन जगह पर उनको हम तैनात करेंगे, तो सीधा उनको भी अप्रोच कर सकता है। तो आज ये रैली का ये दो उद्देश्य था। सर, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पेड़ वगैरह लगते हैं और या कुछ ऐसी मंडिया टाइप के लगा देते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा यातायात के नियमों का उल्लंघन वहां पर होता है और यातायात जाम की समस्या रहती है, उसके लिए क्या व्यापारियों के साथ किस तरह की समझाइश वगैरह रहेगी? हमारा एडिशनल सीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक द्वारा कुछ ऐसा एरिया चिन्हित किया, जैसे आपने अभी कहा है, उधर जाके आज से दो दिन तक उन लोगों को समझाइश करेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से इस जागरूकता रैली को लेकर इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला स्क्वाड्स भी लगाए गए थे और साथ ही महिलाओं को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है।